भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह का जयपुर के आरयूएचएस में निधन हो गया। आपको बता दें कि सुबह अचानक हेमेंद्र सिंह का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपको बता दें कि बनेरा दरबार हेमेंद्र सिंह करीब 25 वर्ष की उम्र में ही भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे और देश के सबसे युवा सांसद का रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद हेमेंद्र सिंह फिर 90 के दशक में दूसरी बार भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए। वहीं उनके निधन से राजनीतिक हलकों में शोक की लहर छा गई, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शोक जताया है। तो देश के सबसे युवा सांसद चुने गए थे और कोरोना के चलते उनका निधन हो गया। अपने आप में एक दुखद खबर। कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में भी इस खबर के बाद शोक की लहर छा गई है। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह का निधन जयपुर के आरयूएचएस में हुआ, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना के चलते वो भर्ती थे और अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने से उनका निधन हो गया। और इस खबर पर हम बात करेंगे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी से। सर, एक बेहद दुखद खबर है। कहीं ना कहीं एक जो बहुत ही जिस तरह से कोरोना लोगों को छीन रहा है, वैसे ही देश के युवा सांसद चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे हेमेंद्र सिंह, एक बहुत बड़ी क्षति है। आप किस तरह से इस पर अपनी व्यक्त करना चाहेंगे? हेमेंद्र सिंह जी जो बनेड़ा की दरबार के रहते जी, पूरा मेवाड़ जी अंचल उनको मेवाड़ दरबार के रूप में जानता था, बनेरा दरबार के रूप में जानता था जी। और मेवाड़ में सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठित घराने होते थे उनमें बनेरा घराने का नाम जी। हेमेंद्र सिंह जी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा अच्छी थी, एकदम सादगी भरे इंसान। मेयो कॉलेज में पढ़े थे जी, मेरे बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे उनके जी, बड़ा मित्रवत व्यवहार रखते थे जी। और जब भी मिलते बिल्कुल गले मिलते। वो 25 साल की उम्र में, 25 साल कुछ दिन की उम्र में सांसद बने, देश के सबसे युवा सांसद कहलाए जी। विनम्रता इतनी थी कि कभी उनसे मिलकर लगा नहीं कि हम एक वर्तमान सांसद से या पूर्व सांसद से मिल रहे हैं जी। उसके बाद वो दोबारा सांसद बने और ये ऐतिहासिक घटनाक्रम की किस तरह चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने जी, उस वक्त चंद्रशेखर के साथ जो 55-56 सांसद गए जी, उनमें हेमेंद्र सिंह जी एक थे और पांच जो सांसद जिनका गठबंधन कानून की वजह से संसद सदस्यता गई, उनमें से हेमेंद्र सिंह जी एक थे। राजस्थान के एकमात्र जनप्रतिनिधि अब तक के इतिहास के जिनकी सदस्यता दल बदल कानून की वजह से गई जी। और खास बात यह है, राजनीतिक ईमानदारी का तकाजा ये था कि हेमेंद्र सिंह जी ने वापस चंद्रशेखर से कभी कुछ नहीं मांगा जी। लोकसभा की सदस्यता गई, न कोर्ट गए, न उन्होंने कभी कुछ मांगा, जबकि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन चुके थे जी, कुछ भी दे सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, लेकिन हेमेंद्र सिंह जी ने इस बलिदान के बदले कुछ नहीं मांगा जी। और चंद्रशेखर के साथ बने रहे सारी जिंदगी उस वक्त, इसलिए इस राजनीतिक नैतिकता और ईमानदारी के लिए उन्हें जाना जाना चाहिए जी। और उन्होंने कभी उफ नहीं किया इस बात के लिए कि उनको इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा जी। बहुत ही सादगी भरे इंसान, जनता के साथ जुड़े रहने वाले, दूसरे से काम आने वाले, विनम्र। आज हमारे बीच से चले गए, उनको जीवन टीवी की ओर से भी मैं सच्चा नमन करना चाहता हूँ जी। और राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं जी, जिनको किसी भी सफलता पर, किसी भी विजय पर बिल्कुल दर्प ना हो, घमंड से चूर नहीं हो, छू तक नहीं जाए किस तरह की उपलब्धि उनको, किस तरह की उनकी कार्य पद्धति में, व्यवहार में जी, देख रेख में जी, पहनावे ओढ़ावे में कुछ चेंज आए, किसी पद पर आने के लिए, किसी चुनाव जीतने के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आम आदमी को भी वो आम आदमी की तरह लगते थे, इसलिए मैं उनको इस अवसर पर इस बात के लिए याद करना चाहता हूँ, शादी के लिए, उनकी विनम्रता के लिए जी, और राजनीतिक ईमानदारी के लिए जी। और किसी प्रकार का लेन देन का भाव नहीं रखते हुए जिसके साथ कमिटमेंट था उसके साथ गए, और कोई बलिदान करना पड़ा, संसद सदस्यता बलिदान करनी पड़ी जी, वो भी उन्होंने जी। और उसके बदले कभी कुछ नहीं मांगा जी, इसके लिए उन्हें याद किया जाएगा।
जी बिल्कुल, जिस तरह से जो राजनीतिक शुचिता की बात की जाती है कहीं ना कहीं उनमें झलकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जो बता रहे थे कि हेमेंद्र सिंह जी का निधन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है और राजनीतिक शुचिता के लिए कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार था, लोगों से जिस तरह से वो पेश आते थे और जिस तरह से उनमें कहीं ना कहीं सेवा की भावना थी, इसके लिए वो जाने जाते थे। फिलहाल